दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का आवक का अपडेट देख लेते हैं। 22 सितंबर 2023 का कैसा देखने को मिल रहा है, क्या आवके हैं। आज से मंडी प्रारंभ हो चुकी है, आवके सीमित ही है और कल शनिवार को नीमच मंडी चालू रहेगी। माह का चौथा शनिवार है, मंडी का अवकाश रहता है। बाकी कल काफ़ी दिनों से मंडियाँ बंद थी, इस वजह से कल शनिवार को मंडी चालू रहेगी। तो कल भी किसान बंधु अपनी उपज विक्रय हेतु नीमच मंडी में लेकर आ सकते हैं। अन्य मंडियां तो बंद ही है, बाकी नीमच मंडी चालू रहेगी। अब आवक की बात करें कैसी है आवक। आज लहसुन की आवक की बात करें तो लगभग 5000 से 5500 कट्टों के आसपास में लहसुन की आवक कह सकते हैं। 5500 कट्टों के आसपास में 5500 ट्रॉलियों और कट्टों में दोनों को मिलाकर 50 ट्रॉलियाँ के आसपास में है हाल फिलहाल, और बाकी कट्टों में आवक है। अन्य जिनसों में आवक की बात करें, सोयाबीन लगभग 1500 बोरी हाल फिलहाल तक आवक है और मूंगफली 200 बोरी के आसपास आवक है। अलसी में लगभग 700 बोरी के आसपास में आवक है, तो यह और तिल्ली में लगभग 10-12-15 बोरी आवक है। तो ये तिलहन की आवक। अब देख लेते हैं अनाज में आवक। जौ में आवक है 200 बोरी के आसपास और मक्का में आवक है 100 बोरी, और गेहूँ का अपडेट मिला नहीं नई मंडी से। इसके अलावा बात करें दलहन में आवक की, उड़द की आवक है 200 बोरी के आसपास, उड़द में आवक अच्छी है। चने में आवक है मात्र 50 बोरी और मसूर में आवक है लगभग 40 बोरी के आसपास। डालर चने में हाल फिलहाल तक कोई भी आवक नहीं है। 8:30 बजे तक का ये समय है जो आवक का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब बात करें किराना जिन्सों में कैसी आवक है। मेथी में आवक है लगभग 350 बोरी, धनिया में आवक है लगभग 350 बोरी, अजवाइन में आवक है हाल फिलहाल 1 बोरी की आवक है मात्र, और कलौंजी में आवक है 350 बोरी के आसपास में, और तिल्ली और इसबगोल में आवक है लगभग 15 बोरी के आसपास में, तो और पोस्तेदाने में भी आवक देखी यहाँ से 10-20-30-40 एक कट्टों के आसपास में हाल फिलहाल आवक नज़र आ रही है। तो यह है लगभग नीमच मंडी में आज की आवक का अपडेट सभी जिन्सों की। और आज मंडी प्रारंभ हुई है, 2 सितंबर को मंडी चली थी और आज 22 सितंबर को मंडी चल रही है, पूरे 20 दिन का गैप है। और यह आवक की स्थिति है, कल शनिवार को मंडी चालू रहेगी।